कैसे हो आप सब? आज हम बनाएंगे हैदराबादी बिरयानी। तो ना सबसे पहले बाउल में आपने दही लेना है, उसके अंदर काली मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और येलो फूड कलर डालना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर चिकन डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। और फिर आपने इसके अंदर लेमन जूस डाल के इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है आधा घंटा फ्रिज के अंदर। तो फिर आपने एक और पैन लेना है, उसके अंदर आपने डालना है पानी, तेजपत्ता, लौंग, बड़ी इलायची डालनी है, ग्रीन चिली डालनी है, जीरा, सिरका और नमक डाल के पानी को बॉयल होने देना है। जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए फिर आपने इसके अंदर डाल देना है चावल सोक किए हुए। और जब चावल 70% तक कुक हो जाए ना, तो आपने इन्हें एक गर्म पानी निकाल के ठंडा पानी डाल देना है और इन्हें साइड पर रख लेना है। फिर आपने एक पैन के अंदर ऑयल डालना है और उसके अंदर प्याज डाल के उसे ब्राउन कर लेना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर चिकन डालना है और चिकन को अच्छे से कुक करना है आपने। और चिकन अगर पानी छोड़ दे तो ठीक है, वरना आपने एक कप इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। और आपने टमाटर डालना है और थोड़ा एसेंस डालना है और चिकन को अच्छे से कुक होने देना है। जब पानी खुश्क हो जाए और घी छोड़ दे तो फिर आपने जो चावल कुक करे थे वो आपने इसके ऊपर डालना है, चिकन के ऊपर। और ऊपर आपने डालना है लेमन के स्लाइसिस, पुदीना के पत्ते, हरा धनिया कटा हुआ, और आपने येलो फूड कलर को ना दूध में मिक्स करके थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप करके डाल देना है। और इसे आपने दम पे रख लेना है और आपकी मजेदार सी बिरयानी रेडी हो जाएगी। इसे रायते के साथ सर्व करें। इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।